साल 2017 में पाकिस्तान में एक केस को लेकर अर्जी डाली गई। पाकिस्तानी लॉयर इम्तियाज रशीद कुरैशी ने 86 साल पुराने भगत सिंह और राजगुरु की फांसी को गलत बताते हुए ये अर्जी डाली थी। इस अर्जी ने भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि रशीद कुरैशी को भगत सिंह के ऊपर लगे आरोपों से जुड़ा एक सनसनीखेज डॉक्यूमेंट मिल गया था। रशीद को मिली थी उस FIR की कॉपी जिसके तहत भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। पता चला कि भगत सिंह के खिलाफ मामला ही नहीं था, जिस सॉन्डर्स की हत्या के मामले में उन्हें फांसी दी गई थी उस दर्ज FIR में उनका नाम ही नहीं था। उसमें सिर्फ दो अज्ञात आरोपियों का नाम लिया गया था। इस FIR में भगत सिंह का नाम ना तो एक आरोपी के तौर पर था और आरोपी के तौर पर तो छोड़िए, संदिग्ध के तौर पर भी नहीं था। यहां तक कि ट्रायल के टाइम पर भी उनका नाम हत्याकांड वाले मामले में कहीं नहीं जोड़ा गया था। वो सिर्फ बम केस में ही आरोपी थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या शहीद आजम भगत सिंह को एक साजिश के तहत फांसी दी गई थी, और अगर हां तो वो लोग कौन थे जिन्होंने ये साजिश रची थी। तो आइए जरा इसकी जांच करते हैं। 23 मई 1931 का दिन भारत के इतिहास में एक डार्क चैप्टर था। इसी दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। पूरा देश इस फांसी के विरोध में था। विरोध इतना ज्यादा था कि लोगों ने कराची में महात्मा गांधी के खिलाफ नारे लगाए थे। लेकिन भगत सिंह को फांसी हुई और वो इतिहास में अमर हो गए। लेकिन सवाल तो ये है कि फांसी हुई क्यों? तो इसको लेकर पाकिस्तान में काफी जांच पड़ताल चल रही है, और आरोप ये है कि भगत सिंह के खिलाफ एक ऐसी साजिश थी जिसका मकसद था कि हर हाल में भगत सिंह को सूली पर चढ़ा दिया जाए, और इसके साथ ही उनको फंसाने के लिए उनके केस में कई तरह के झूठ बोले गए। और यही नहीं, अगर देखा जाए तो एक जबरदस्ती एक कानून भी लागू किया गया ताकि भगत सिंह बचने ना पाए। ये पूरी कहानी सुनकर दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंग्रेजों की करतूत पर आपको घिन आने लगेगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो 28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह बस 23 साल के थे जब देश के लिए फांसी के फंदे से झूल गए। उनके साथ ही सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जिस केस में ये फांसी हुई, असल में उस केस में उनका नाम शामिल ही नहीं था। उनकी फांसी का वारंट असल में इलीगल था। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना होगा इतिहास में। देखिए, भगत सिंह पर दो बड़े केस चलाए गए। इसमें से पहला केस था लाहौर असेंबली बम कांड। ये कहानी आपने सुनी होगी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ये बम उन्होंने इसलिए फेंका था क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी सरकार दो कानून बनाने वाली थी। इसमें से एक कानून के चलते लेबर यूनियन जो थी वो हड़ताल नहीं कर सकती थी, और दूसरे कानून के तहत अंग्रेज बिना किसी पर मुकदमा चलाए किसी को भी कभी भी किसी वक्त गिरफ्तार कर सकते थे। अपनी मांगों के लिए उन्होंने कई पर्चे भी फेंके थे असेंबली में। ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बने नहीं थे, इसलिए इनसे किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इस विस्फोट से असेंबली में शोर मच गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की बजाय पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये पहला केस था जिस पर भगत सिंह के ऊपर मुकदमा चला। इस हमले में या इस केस में वो सीधे तौर पर शामिल थे। 7 मई 1929 से ब्रिटिश मजिस्ट्रेट BP पूल के सामने ये केस शुरू होता है। इस मुकदमे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को कांग्रेस के वकील आसिफ अली ने रिप्रेजेंट किया। वहीं राय बहादुर सूर्य नारायण सरकार की तरफ से केस लड़ रहे थे। इस सुनवाई में बीपी पूल ने कंक्लूजन निकाला कि IPC के सेक्शन 307 के तहत भगत सिंह और दत्त ने राजा की प्रजा को घायल करने या मारने के इरादे से बम फेंका था। हालांकि ये सच्चाई नहीं थी, लेकिन इस आधार पर जज ने आरोपों को तय कर दिया और 12 जून को दोनों क्रांतिकारियों को ब्रिटिश जस्टिस लियोनार्ड मिडलटन के सेशन कोर्ट में भेज दिया गया। आगे चलकर जब सेशन कोर्ट में केस चला तो भगत सिंह और दत्त इन दोनों ने इस केस में सहयोग करने से मना कर दिया। लेकिन यहीं पर शुरू हुआ झूठ का सिलसिला जो कि सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह के लिए फैलाया जा रहा था। तो सबसे पहले इस कोर्ट में कहा गया कि भगत सिंह ने विधानसभा में गोलियां चलाई थी, जबकि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था।
ये भी कहा गया कि पुलिस वालों ने उनके हाथ से बंदूक छीनी थी, जबकि भगत सिंह ने अरेस्ट के टाइम पर खुद अपनी वो गन पुलिस के हाथों में दी थी। इसके बावजूद अदालत ने उन सुनवाई में उन्हें दोषी बताकर आजीवन कारावास यानी कि 14 साल की सजा सुना दी। अब देखिए, अभी तक आप केस में दो बड़े झूठ देख चुके हैं, लेकिन ये पहला केस था और इस केस में उन्हें फांसी नहीं मिली थी। हालांकि अंग्रेज बस इतने पर खुश नहीं थे, सरकार भगत सिंह को और भी कड़ी सजा दिलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक और केस में शहीद आजम भगत सिंह का नाम जोड़ दिया। यह केस था ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन पी सैंडर्स और हेड कांस्टेबल चानन सिंह की हत्या का केस। इस केस में भगत सिंह को फंसाने के लिए पुलिस ने असेंबली बम केस में जो पर्चे फेंके गए थे और सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में जो पर्चे चिपकाए गए थे उनकी हैंडराइटिंग को मिलाकर अपना केस बनाया। इस केस को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस हैंडराइटिंग के बेसिस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों पर केस चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र मामले की सुनवाई बोस्टल जेल में शुरू हुई। इस केस में जज थे मजिस्ट्रेट पंडित श्री किशन। यहाँ पर आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जब इस केस में पंडित श्री किशन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको राय साहब की उपाधि दी थी, जो कि उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ी और सम्मानित उपाधि मानी जाती थी। खैर, कहानी में आगे बढ़े तो जब ये केस चल रहा था तब भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में रहकर भी अंग्रेजों के खिलाफ वो काम कर रहे थे और उनकी हरकतों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। यही वो समय था जब ब्रिटिश सरकार ने तय कर लिया था कि हर हाल में भगत सिंह को फांसी होनी ही चाहिए। उधर भगत सिंह और उनके साथ जो क्रांतिकारी थे वो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते जा रहे थे। जब वो जेल गए और उन्होंने देखा कि कैसे लोग जेल में जुल्म सह रहे हैं तो उन्होंने इस विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। भगत सिंह ने कुल 114 दिनों तक भूख हड़ताल की। एजी नूरानी की किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस से पता चलता है कि भगत सिंह और उनके साथियों की इस दौरान कई बार मजिस्ट्रेट के सामने क्रूरता के साथ पिटाई की गई। उनके साथ ही कई बार इस पिटाई के चलते बेहोश भी हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी हड़ताल करनी नहीं छोड़ी। उन्होंने सरकार के साथ केस में सहयोग करने से मना कर दिया। इन सब के चलते भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों की बातें जनता तक पहुंच रही थी और ये क्रांतिकारी पॉपुलर होते जा रहे थे। ये बात अंग्रेजी सरकार के बर्दाश्त के बाहर थी। अंग्रेजी सरकार ने भी केस को रोका नहीं, बल्कि दूसरा पक्ष यानी क्रांतिकारियों के पक्ष को बिना सुने ही मनगढ़ंत गवाहों और अभियुक्तों से सरकारी गवाह बने लोगों और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लाए गए सबूतों के आधार पर इस केस को चलाया। अब यहाँ आपको बता दूँ कि इस तरह से केस चलाना जस्टिस के, जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, उसके खिलाफ माना जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने किया और इन सब चालबाजियों के बावजूद वो कुछ खास साबित नहीं कर पाए। इसके बाद अंग्रेजी सरकार नीचता की हद तक गिर गई। 1 मई 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर षड्यंत्र मामले की सुनवाई के लिए एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास किया। अध्यादेश का मतलब होता है कि इस कानून को बिना किसी सहमति के लागू कर दिया गया था। इस अध्यादेश के तहत एक स्पेशल मजिस्ट्रेट को यह मामला सौंप दिया गया, जो कि 3 जजों की एक बेंच थी। इस बेंच को जल्द से जल्द इस केस को निपटाने का आदेश दिया गया। इस ट्राइब्यूनल को अधिकार मिला कि इसके फैसले को प्रिवी काउंसिल को छोड़कर किसी भी हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक तरह से जो ये फैसला सुनाएंगे वही सर्वमान्य होगा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस ट्राइब्यूनल ने 7 अक्टूबर को तय टाइम से 3 हफ्ते पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स और चानन की हत्या का दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुना दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस केस में 5 मई 1930 से लेकर 7 अक्टूबर 1930 तक भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों का पक्ष रखने वाला कोई भी नहीं था। सभी क्रांतिकारियों ने केस को लड़ने से मना कर दिया था। इस तरह से एक बार फिर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का वायलेशन हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को बस किसी तरह से फांसी की सजा देनी थी, इसलिए उन्होंने यह ट्राइब्यूनल बनाकर अपना काम कर लिया और फिर तुरंत बाद इसे भंग भी कर दिया, यानी कि और कोई चारा ही नहीं बचा था। इसके बाद तो आपको पता ही है, तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। दोस्तों, उस वक्त इस फांसी का खूब विरोध हुआ था। अंग्रेजी सरकार को बहुत ज्यादा तोहमत झेलनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी ये केस धीरे धीरे ओझल होता चला गया। लोगों की नजरों के सामने से ये केस गायब होता चला गया।
लेकिन साल 2017 में इस केस को पाकिस्तान में फिर से खोला गया। इसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि कैसे सॉन्डर्स की जो हत्या थी उसके मामले में दर्ज FIR में भगत सिंह का नाम ना तो आरोपी के तौर पर था और ना ही संदिग्ध के तौर पर था। यही नहीं, जो अध्यादेश भगत सिंह के खिलाफ स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास केस को लेकर गया था उसे कभी भी विधानमंडल की मंजूरी भी नहीं मिली थी, जबकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अध्यादेश को पारित करने के लिए विधानमंडल की मंजूरी की जरूरत हुआ करती थी। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने जो डेथ वारंट जारी किया वो डेथ वारंट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने से पहले ही एक्सपायर हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मृत्यु वारंट पर उन्हें फांसी दी गई थी वो ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया गया था और कानून के तहत केवल ट्रायल कोर्ट को ही डेथ वारंट जारी करने का राइट था। वहीं जिसके तहत ये फांसी दी गई वो भी खत्म हो गया था क्योंकि उसे विधायी स्वीकृति नहीं मिली थी, इसलिए जिस डेथ वारंट पर उन्हें फांसी दी गई वो असल में इलीगल था। इन सब के अलावा करीब 450 गवाह इस केस में थे जिन्हें भगत सिंह की ओर से क्रॉस क्वेश्चन करने ही नहीं दिया गया। केवल उन गवाहों से बचाव पक्ष के वकील को जिरह करने की इजाजत दी गई जो सरकारी गवाह बन गए थे। इस तरह से दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला झूठा था। भगत सिंह को शायद फांसी ना होती लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों से खौफ खाने वाले अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और देश के एक महान क्रांतिकारी को देश से छीन लिया। ये अलग बात है कि भगत सिंह खुद चाहते थे कि उन्हें फांसी हो जाए ताकि अंग्रेजी कौम के विरोध में देश की जनता खड़ी हो, और यही हुआ आगे चलकर। अब आप बताइए आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगता है, क्या सचमुच अंग्रेजों ने साजिश के तहत भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया या फिर सच में भगत सिंह को अंग्रेजों ने एक बेटर ट्रायल के साथ फांसी पर चढ़ाया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।